हेरा फेरी के 21 साल के जश्न पर हेरा फेरी 3 और हेरा फेरी 4 का धमाका एक साथ प्रोड्यूसर ने किया कंफर्म। अब मजा आएगा ना बिडू। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्रिक न्यूज़। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी सीरीज के बारे में। फैंस एक तरफ सोशल मीडिया पर हेरा फेरी के रिलीज़ के 21 साल होने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों में दोगुनी हो जाएगी। दरअसल पिंक विला से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में हेरा फेरी प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने कन्फर्म किया कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है और जल्दी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। फिरोज नाडियाडवाला ने इस बातचीत में ये भी बताया कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिगड़ी ही फिर से हेरा फेरी करने लौटेगी और ये फिल्म वहीं से शुरू होगी जहाँ पर हेरा फेरी 2 में ख़त्म हुई थी। दरअसल हेरा फेरी के आखिरी सीन को यूँ ही खुला छोड़ दिया गया था और ऑडियंस को तभी से पार्ट 3 का हिंट दे दिया गया था, लेकिन इस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं और हर जाने के तौर पर फिरोज नाडियाडवाला ने फैंस के लिए एक शानदार खुशखबरी दी है। दरअसल हेरा फेरी की टीम केवल पार्ट 3 पर काम नहीं कर रही है। पिंक विला से बातचीत में फिरोज नाडियाडवाला ने साफ किया है कि वो और भी हेरा फेरियों का प्लान कर रहे हैं। दरअसल इन फिल्मों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, वो हेरा फेरी 2 और 3 के बीच इतने लंबे समय के अंतराल की भरपाई हेरा फेरी 3 और हेरा फेरी 4 के साथ करेंगे। फिल्म को याद करते हुए सुनील शेट्टी ने तस्वीर शेयर किया और लिखा कि समय कितने जल्दी उड़ जाता है और ऐसा लगता है कि अभी पलक झपकी थी कि 21 साल हो गए। क्या फिल्म बनाई हमने प्रियदर्शन सर, अक्षय कुमार, परेश रावल और गुलशन ग्रोवर और तब्बू जी के साथ। आज हम ओम पुरी जी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो वहीं अक्षय कुमार ने भी सुनील शेट्टी की बातों से सहमति जताते हुए अक्षय कुमार ने कहा, सच में हमें भी नहीं पता था कि हम क्या बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं। हर सीन पिछले सीन से बेहतर हो जाता था। जैसा कि शानदार धोती सीन, प्रियदर्शन सर का डायरेक्शन और नीरज वोरा के मज़ेदार एकदम डायलॉग्स, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को इस तरह बीते दिनों को याद करता देख फैंस भी भाग हो गए और उन्होंने धमाका देखते ही अक्षय कुमार से हेरा फेरी पार्ट 3 की गुजारिश भी कर डाली। गौर मतलब है कि 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसने अक्षय कुमार की किस्मत बदल थी और इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के जबरदस्त फैन तरीके से दीवाने हो गए थे। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में पहले संजय दत्त थे, लेकिन उस दौरान संजय दत्त को अपने केस के सिलसिले में कोर्ट में पेशी देनी होनी थी, ऐसे में उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। बाद में अजय देवगन को भी ये फिल्म ऑफर हुई, लेकिन उन्हें अपना रोल अक्षय की तुलना में कम लगा। तो वही फिल्म के लिए अक्षय कुमार और अनुभा ने एक प्रमोशनल गाना भी शूट किया था जो टीवी पर दिखाया भी जाता था, लेकिन फिल्म में इस गाने को काट दिया गया। गाने का नाम था मुझसे मिलती है। तो वहीं गौर मतलब कि 2015 में हेरा फेरी 3 अक्षय कुमार के बिना ही अनाउंस हो गई थी। फिल्म में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था जॉन अब्राहम ने। भले ही फिल्म में सुनील शेट्टी और परेश रावल थे, लेकिन जॉन की जोड़ी बनाई गई थी अभिषेक बच्चन के साथ। तो जैसे ही हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हुआ, फैंस ने ही साफ कर दिया कि अक्षय कुमार के बिना हेरा फेरी देखेंगे ही नहीं, और वैसे भी राजू श्याम और बाबू भैया के बिना कैसे हेरा फेरी होगी। इसके बाद से अक्षय कुमार के साथ हेरा फेरी 3 की सुगबुगाहट कई बार उठी और एक बार तो यहाँ तक कि पहुँचे कि इसे नीरज वोरा डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने अक्षय को भी मना लिया, लेकिन नीरज वोरा के निधन के बाद सारी सगबुगाहट अफवाह बंद हो गई। अब जब फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने कंफर्म कर दिया कि ना सिर्फ हेरा 3 है बल्कि 4-5 की भी तैयारी चल रही है, तो फैंस की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा है। अब तो बस हेरा फेरियों का इंतजार है हमें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आप हेरा फेरी सीरीज के लिए कितना एक्साइटेड हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।